हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो कि अपनी बेबाक राय के लिए हमेशा जाने जाते हैं। हम सीधे सवाल शुरू करते हैं दिग्विजय जी, एनआरसी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गुमराह कर रही है, राजीव गांधी जी के वक्त में अकॉर्ड किया गया था, पर अब 40 लाख लोग बिल्कुल अजीब उहापोह की स्थिति में है वहां पर। पहली बात तो यह है कि अकॉर्ड का और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है। एनआरसी सन 51 से अपडेट होते चला आ रहा है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और उसके लिए कानून बना हुआ है। मैं भी असम का इंचार्ज रहा हूं 7 साल तक, तो ये सारे मसले हम लोग डील करते रहे हैं। अपनी जगह है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर इस प्रकार से है कि लोगों का आना जाना चलता रहता है और रोजगार आदि के लिए कुछ लोग बांग्लादेश जाते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, दोनों तरफ चलता है। और इस प्रकार का ये सर्वे एनआरसी का निरंतर प्रक्रिया है और उस समय तरुण गोगोई साहब इंचार्ज चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बातचीत चलती थी और उन्होंने इसको थोड़ा सा प्रक्रिया को तेज किया था। कानून भी बना हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के पास जानकारी है कि फला व्यक्ति घुसपैठिया है तो उसके बारे में जानकारी थाने को दी जा सकती। तो वही तो उनका कहना है ना कि जब कांग्रेस का इतना लंबा वहां पर रिजीम रहा, सब कुछ आप लोगों के वक्त हुआ, तो उस वक्त क्यों नहीं ये ड्राफ्ट पहला आया? अब हम कर रहे हैं तो उसमें भी ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए ड्राफ्ट तो आया है तो इसमें किसी को आपत्ति थोड़ी ना है, लेकिन उसमें जो 40 लाख है उसमें से 40% तो हिंदू है, इसको हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो भी ड्राफ्ट आज तैयार जो पब्लिश किया गया है वो निरंतर प्रक्रिया थी, उसके तहत किया गया है। जिसका नाम नहीं है उसकी सुनवाई होगी, किसी को डिपोर्ट अभी किया जा नहीं रहा है। तो इसलिए ये एक ऐसा जो मुद्दा बनाया जा रहा है उसमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर जो लोग 40 लाख लोग अगर उसमें नाम उनका नहीं है तो उनको एक विंडो है कि वो जाके अपना नाम दर्ज कराएं और उसके प्रमाण पत्र जो भी दें। पंडित जी आज भी आप किसी भी भारत के इलाके में चले जाइए तो उसकी लीगेसी वगैरह बहुत मिलती कि नहीं है। अब कई लोग जो उत्तर प्रदेश से 3 पीढ़ी पहले चले गए मुंबई या चेन्नई, उनसे आप कहिए कि तुम्हारे बाप दादा और उनका पुरखों का नाम डिटेल लेके आइए, तो वो कहां से लेके आएंगे? इवन आपके मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश तो बहुत लोग हैं, मैं वही कह रहा हूं आपसे। इसलिए और ये भी एक अजीब सी बात है कि श्री अमित शाह जी छाती ठोक कर इस बात को कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? ये जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रहा है, स्वयं गृह मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, तो इसमें शासन ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बात और बता दें आपको कि 60 के दशक में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय इस प्रकार की प्रक्रिया हो चुकी है कि जितने पाकिस्तान के इलीगल माइग्रेंट आ गए थे उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया था और वो इफेक्टिवली कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ और उस समय काफी लोग आए और उसी बात को लेकर कट ऑफ डेट मार्च 1971 की तय हुई और अकॉर्ड भी यही हुआ कि उस समय तक आ गए पहले तो ठीक है, उसके बाद जो आए उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तब से एनसीआर की डिपोर्ट के बारे में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कई लोगों को उसको डिपोर्ट किया भी गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा एक मुद्दा नहीं है, लेकिन इसमें यह भी बात है कि इसमें कुछ लोग ऐसे जैसे फखरुद्दीन अली अहमद साहब का खुद का भतीजे का नाम उसमें नहीं है, आर्मी में जिन्होंने काम किया है उसका नाम नहीं है, तो कमियां हैं,
उस कमियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वही बीजेपी का कहना है कि राजनीति आप कर रहे हैं, हमेशा से जो है आप लोगों ने अपीजमेंट की राजनीति की, इतने बांग्लादेशियों को बसा दिया वोट बैंक के रूप में, अब हम उस चीज को दुरुस्त करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो मौजूदा कानून में उसको डिपोर्ट करिए। अब कौन रोक रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा कि घुसपैठियों को तुम सिटीजनशिप दे दो? हमने तो कभी नहीं कहा। फिर ये आरोप हमसे क्यों लग रहा है? कानून आज भी कानून है, आप एनआरसी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। आज भी अगर आसाम की सरकार के पास किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके पास पुलिस प्रशासन है, शासन है, कानून है, कोई भी इलीगल माइग्रेंट की अगर जानकारी है तो उसको आप डिपोर्ट करिए, क्यों नहीं करते? तो आप साथ में है सरकार के इस मुद्दे पर? मैं देखिए, मैं इस बारे में साफ कहता हूं कि इलीगल माइग्रेशन के बारे में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और इलीगल माइग्रेशन केवल भारत में नहीं हो रहा है, यूरोप में है, अमेरिका में है, सब रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बारे में सोच समझ के कार्रवाई करना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील इश्यू है और इसकी संवेदनशीलता से के साथ इसको डील करना चाहिए, इसमें पोलराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब एक दूसरे उस पर चलता हूं। आपने आरोप लगाया है कि ये गौ रक्षा की बात करते हैं, मोदी जी 2014 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उसमें बीफ निर्यातकों के पैसे से चुनाव लड़ा था, तो ये सब बातें कहां से आ रही है? फिर आप गौ रक्षा पे आ गए, क्योंकि ये जो सारे चैनल है केवल इन्हीं पर चर्चा करते हैं। मैं इस बात को कह चुका हूं कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि गौ रक्षक जो है गुंडे हैं, मैंने नहीं कहा है। और ये भी एक बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि उनके जैन मित्र हैं जो कि गौ मास निर्यात में का धंधा करते हैं। ये भी आज फैक्ट है कि भारत जहां तीसरे या चौथे नंबर पे होता था, आज सबसे ज्यादा बीफ जो है भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। ये भी फैक्ट है कि अलाना सन्स जो कि बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी है, उसने 2.5 करोड़ रुपए आपको चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आप ही ने अपना रिटर्न जो पेश किया उसमें बताया कि अलाना सन्स से हमको 2.5 करोड़ रुपए मिला है, तो मैंने कौन सी गलत बात कही है? पर 2.5 करोड़ तो बहुत, मतलब जिस तरह से आजकल चीजें कम रकम हुई, और उसके फिर भी चंदा लिया है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ, चंदा लिया उन्होंने, भाजपा ने स्वीकार किया है। पर आपके इतने बड़े आरोप के बावजूद कोई उसका उस तरह से बीजेपी ने कोई जवाब आपको नहीं दिया? अमूमन आपके उनके पास जवाब क्या है? पहले तो उन्होंने मुझसे जवाब माना, प्रमाण सुधांशु मित्तल का मैं देख रहा था, उन्होंने मुझसे प्रमाण मांगा, मैंने जब प्रमाण दिया तो चुप हो गए। अगर आप इतना ही गौ माता को मानते हैं तो गौ मास निर्यात वालों से चंदा क्यों लेते हैं, बताइए। अब अगर आपके गृह राज्य की बात करें मध्य प्रदेश की, तो पूर्व मुख्यमंत्री आप 10 साल वहां रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहां पर हैं वहां पर? क्योंकि कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकी सब चीजें देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहां है? दिग्विजय सिंह को समन्वय करने के लिए काम दिया है, समन्वय कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ा काम है। पर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको चाणक्य कहा जाता है कि आप जो चीजें जो हैं जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं, कुछ लगता है आपको बदलाव होगा? क्योंकि कांग्रेस वहां बटी हुई है पूरी तौर पे, नाराजी कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ भयंकर नाराजी है, और लगता है हमें इस बार अच्छे नतीजे मिलेंगे। इतनी गुटबाजी के बावजूद आप? गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, गुटबाजी हमारे ऐसा कुछ विशेष नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा काम सब लोग को इकट्ठा करना। पर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस का देखा जाए तो इतने बड़े बड़े नाम हैं आप 3 लोग, तो हाँ तो हम लोग सब इकट्ठा हैं, काम इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठा मीटिंग्स कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना कैंपेन कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है 2019 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे एक होकर? क्योंकि 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी पीक पर थे
भाजपा पीक पर थी तो उन्हें 31% वोट मिला था और 69% वोट उनके खिलाफ था। उन 69% लोगों को एक करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विचारधारा पे लड़ेंगे कि देश कौन सी विचारधारा चाहता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, या हेडगेवार जी और गुलबलकर की विचारधारा, ये इन दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव होगा। एकजुट विपक्ष आपको लगता है कि संभव है? अगर उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी एक हो सकते हैं तो सभी जगह हो सकते हैं। पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व में उसका नेतृत्व लोग स्वीकार कर लेंगे? नेतृत्व का राहुल गांधी जी ने खुद ने कहा है कि इसमें नेतृत्व का प्रश्न नहीं है, हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक दफा राहुल जी ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूंगा, दूसरे दिन वो ये कहते हैं कि हम किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बहुमत मिला कांग्रेस को तो वो उम्मीदवार है ही, और अगर कोलिशन की सरकार बनती है तो वो उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी व्यक्ति को जो आरएसएस का नहीं रहा है या आरएसएस का विरोधी है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में एकता यात्रा से खासा फर्क पड़ेगा और पूरी तरह पार्टी एकजुट है, इस एकता यात्रा का मकसद भी यही है। और जहां तक 2019 लोकसभा के चुनाव की बात है, पूरी कोशिश हो रही है कि एक विचारधारा के लोग एक साथ जुटे, और जहां तक प्रधानमंत्री पद के बात है तो उसमें भी जो भी आरएसएस के विरोध में होगा हम किसी को भी साथ में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।